कथित रूप से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सियासी पारा गर्मा गया है। आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गोपाल इटालिया इसी मामले के तहत स्थानीय हीरा व्यापारियों से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें उनसे नहीं मिलने दिया। वही इटालिया की ओर से एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया गया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर घसीटते हुए ले गई है। इस पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने इटालिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष को भाजपा की पुलिस देखिए कैसे ले जा रही है। अभी तक गुजरात में भाजपा और कांग्रेस मिलकर फ्रेंडली राजनीति करते थे, पहली बार कोई उन्हें चुनौती देने वाला आया है। वहीं गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर अपनी गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करके लिखा है कि सूरत में डायमंड बुर्स में 20,000 करोड़ रुपए की घोटाले की लगातार शिकायतों के बाद आज सूरत में हीरा व्यापारियों को मिलने हीरा बाजार गया था। दुख है कि डायमंड बुर्स घोटालेबाज मामले में हीरा व्यापारियों से मिलने ही नहीं दिया गया और इतनी बर्बरता के साथ पुलिस बाजार से घसीटते हुए ले गई। बताया जा रहा है कि गांधीनगर के राजस्व और शहरी विकास विभाग ने सूरत डायमंड बुर्स और सूरत हवाई अड्डे के पास आभवा विस्तार को लेकर 17 लाख वर्ग मीटर सरकारी भूमि से संबंधित कथित 20,000 करोड़ रुपए घोटाले की जांच नहीं की है। इसमें एक बीजेपी नेता का नाम भी सामने आने की बात हो रही है। बताते चले कि सूरत में एयरपोर्ट के पास डायमंड बुर्स में कथित रूप से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सियासी पारा गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल इटालिया इसी मामले के तहत स्थानीय हीरा व्यापारियों से मुलाकात के लिए गए थे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें उनसे नहीं मिलने दिया। इटालिया की ओर से एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया गया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके घसीटते हुए ले गई है। वहीं गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर अपनी गिरफ्तारी का वीडियो शेयर किया है। गौरतलब है कि अभी बीते सोमवार को रायबरेली में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर एक युवक ने स्याही फेंक दी थी। अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती सिंचाई विभाग में रुके थे। जब वह सोमवार की सुबह वहां से जाने लगे तो एक युवक ने उन पर स्याही फेंक दी थी। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस पर भी अपना ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।